अरिपन के प्रकार तो बहुत छे, लेकिन खास कर ई दू तरह के होय छे, अनुष्ठानिक यानी पूजा पाठ ले अलग एक डिजाइन जे छे, एमे ज्यामितीय डिजाइन बने छे, तो पूजा पाठ ला किछ एहन छे जो पूजे पाठ के लेल निमित्त छे, जेना कि अष्टदल भेल, खष्टदल भेल अहाँ के, तो ओ सब जे छे ने से अहाँ पूजे पाठ देवी देवता के निमित्ते भेल ओ बने छे। कमलक फूल छे ओहिमे, जँ किनको नहि अबै छनि तऽ कमलक कोसा दऽ दै छथिन, मानि लिअ अष्टदल के ओते नहि लिखऽ अबै छनि, कमलक कोसा दऽ कऽ ओहिपर पूजा कऽ लेलनि, हुनकर काज चलि जाइ छनि। कमल फूल एहन चीज छियै जे अहाँके नहि अबैया अष्टदल खष्टदल या अरिपन, तऽ कमल फूल दऽ दिअ ओहिपर पूजा पाठ कऽ लिअ, गौरी के अरिपन, खष्टी के अरिपन, सूर्य चंद्रमा नव नवग्रह, ई सब छै अनुष्ठानिक पूजा पाठ वाला। मिथिला के संस्कृति मे अरिपन के अपन एकटा बहुत पैघ महत्व छै। अगर मिथिला के बात करी तो मिथिला में मूरन, उपनयन, ब्याह, दुरागमन, जे दूर तक हमरा सबके नजर जायत अछि, हर पावन त्योहार में हर जगह हमरा सबके अरिपन देखे ला भेटत अछि, क्योंकि हर शुभ काज में हम सब ई दैत छियै। और एतबे नहि, कोनो औरो काज जे शुभ से अलग होइ छै, लेकिन ओहियो में अरिपन के अपन महत्व छै। आइ हमरा सब कोयला गाँव में छी और रमेश मंडल उर्फ मुन्नी लाल भाई जी हमरा सब संगे छथि, हुनका से बात करब और जानब जे अरिपन के की प्रकार होय छै और एकर की महत्व छै, कोन ठाम केहन अरिपन देबाक चाही, क्योंकि एखन हमरा लागैत अछि आप जे नवतुरिया लोक सब छथि बहुत गोटे के सब चीज के जे नॉलेज छै तकर कनी मनी कमी जरूर रहैत हेतनि, जे कतऽ केहन अरिपन पड़बाक चाही वा हमर सबके की संस्कृति रहल अछि अरिपन के लऽ कऽ। भाई जी, सबसँ पहिले तऽ मिथिला मिरर में अहाँके बहुत बहुत स्वागत अछि। हमरा बड़ खुशी भेल जे अहाँ मिथिला मिरर पूरा जे अहाँ टीम छी से हमरा ई मौका देलहुँ हैं, एहि जोगरक बुझलहुँ हैं। आ ई अरिपन प्रथा जे छै से तऽ अपन सबके आदिकाल से आबि रहल छै, आ ई एकरा मिथिला पेंटिंग के तऽ बाद मे नाम देल गेल जे से ई सब अहाँके भूमि चित्र कहल जाइ छै, एहि सब मिथिला पेंटिंग के जन्म भेल छै। भूमि चित्र एकरे उठा कर देवाल पर बनले तो भित्ति चित्र कहल जाइ छै ओकरा, तऽ ई भूमि चित्र भेल आ ओ भित्ति चित्र जहन ओकरा कोबर लिखिया पढ़िया जे कोनो बनै छै विशेष रूप सँ, मने उपनयन में विवाह में कोबर प्रसिद्ध छै, लेकिन मुख्य रूप से ई मिथिला पेंटिंग अपन सबके से ई भूमि चित्र भेलै आ देवाल पर लिखिया भित्ति चित्र। आब गोदना जे होइ छै, गोदनो छियै पहिलुका कला छियै, ओहो मिथिलांचल के कला छियै, गोदना शैली जे छै ओ अखन देखै छियै जे मिथिला पेंटिंग में लोग खूब बढ़िआँ बनै छै, लेकिन ओहो छियै ओ, लेकिन देह चित्र छियै, ओ देह चित्र छियै। ई धरती पर बनलै तऽ ई भूमि चित्र भेलै, एकरा अरिपन कहियो, मांडला कहै छै, साझी कहै छै, हरेक क्षेत्र में क्षेत्र विशेष में एकर नाम अलग छै, अलग अलग छै, बंगाल में अलग छै, बाहर के बहुत बहुत औरो जगह के संस्कृति छै अरिपन से जुड़ल, लेकिन हमर सबके मिथिला में विशेष कर हम सब बेसी देखै छियै जे कोनो शुभ काज भेल चट दऽ कनी अरिपन बना लिअ, कनी तुलसी चौरा लंग दऽ दियो, भगवती लंग दऽ दियो, कोनो चीज में शुभ काज नहि शुरू होइ छै। तऽ कतेक प्रकार के अरिपन होइ छै अपन सबके मिथिला? अरिपन के प्रकार तो बहुत छै, लेकिन खास कर ई दू तरह होइ छै, अनुष्ठानिक यानी पूजा पाठ ले अलग एक डिजाइन जे छै, एमे ज्यामितीय डिजाइन बनै छै, तो पूजा पाठ ले किछ एहन छै जो पूजे पाठ के लेल निमित्त छै, जेना कि अष्टदल भेल, खष्टदल भेल अहाँ के, तो ओ सब जे छै ने से अहाँ पूजे पाठ देवी देवता के निमित्ते भेल ओ बनै छै। कमलक फूल छै ओहिमे, जँ किनको नहि अबै छनि तऽ कमलक कोसा दऽ दै छथिन, मानि लिअ अष्टदल के ओते नहि लिखऽ अबै छनि, कमलक कोसा दऽ कऽ ओहिपर पूजा कऽ लेलनि, हुनकर काज चलि जाइ छनि। कमल फूल एहन चीज छियै जे अहाँके नहि अबैया अष्टदल खष्टदल या अरिपन, तऽ कमल फूल दऽ दिअ ओहिपर पूजा पाठ कऽ लिअ, गौरी के अरिपन, खष्टी के अरिपन, सूर्य चंद्रमा नव नवग्रह, ई सब छै अनुष्ठानिक पूजा पाठ वाला। एम्हर विवाह दान मे दसपत्ता पुरैन, विवाह के राति सेहो लिखल जाइ छै, बर कन्या के विवाह होइ छै तऽ तत्पश्चात ओहिपर चुमाओन होइ छै, ई चुमाओनक अरिपन छियै। विवाह के बाद चुमाओन होइ छै, दुरागमन मे सेहो लिखल जाइ छै, बेटा के मूड़न भेल तखनो बच्चा के दुर्वाक्षर पड़ै छै, अपना सबके नियम छै, तऽ बेटा के मूड़नो मे होइ छै, बेटा के उपनयन मे, सब मे चुमाओन के अरिपन मे दसपत्ता अरिपन विशिष्ट छै अपना सबके। अरिपने टा नहि, ओकर आसन देबाक चाही, ओकरा पुरहर पातिल रखै लए दूटा सेहो ई गोल गोल जे देखै छियै, पुरहर पातिल ब्याहो मे रखाइ छै, उपनयनो मे रखाइ छै, ई नहि जे आब उपनयन के चुमाओन अरिपन छियै तऽ ओहिमे नहि हेतै, से नहि, पुरहर पातिल ओहू मे रखाइ छै। पुरहर रहै छथिन गणेश जी के, कलश रहै छै तो गणेश जी के साक्षी रहि कऽ पुरहर के अरिपन जे छियै से ओ पुरहर राखल जाइ छै जी। आ ई एहि बात तऽ पातिल, तऽ ओतऽ यदि बर कन्या वाला अरिपन छै तऽ एहि बात के प्रतीक छियै, दीप जरैत रहै, ताहिसँ पाछू मे देखै छियै
ओ आसन छे हाँ पीढ़ी पीढ़ी ओ पीढ़ी के अरिपन में ई दस टा पत्ता गोल के अंदर में बनल छे। ई जे अहाँ बनेने छे ई दस पत्ता, हाँ दस पत्ता बीच में एकटा आ चारू कात नौ टा। अच्छा ई किनको बनबे में कनी दिक्कत होइ छैन तो चारू कात दस टा दऽ दै छथिन, ई बिचला के ग्यारह रहै छै ई जे कहै छथिन। ओ अपन बनाबऽ के कला छियै लेकिन हमसब नौ टा ई बिचला के दस मानि कऽ बनबै छी। हाँ तकर बाद एकरा जोड़ दियो, ई सहरेक से कनेक्टेड रहबाक चाहिए, जोड़ल रहबाक चाहिए एक दोसर से सबटा। हाँ चूंकि पुरैन छी, पुरैनक पत्ता जड़ एक जड़ से निकलल रहे छै। ई जे अहाँ कहलियै जे पुरैनक पत्ता एक दोसर से जुड़ल रहे छै ओकर जड़, तैं ई सब जे पत्ता छै आज जे बनेलियै सबटा एक दोसर से जुड़ल रहबाक चाहिए। हाँ चूंकि पुरैन छियै ने, दस पत्ता नामे छै, एकटा ई जड़ दिस भेलै एकरा में सब निकलल छै तऽ ई जोड़ल रहबाक छै, ई कतौ छूटे नहि, तैं एक से दोसर के हम जोड़ने छी। फिर एकरा ऐसे कनेक्टर कऽ दियो, चाहे जै डिजाइन से हुए ओ तो अपन कला कौशल छियै जेहन आबे, लेकिन ई हटल नहीं रहे, कतौ ने कतौ ओकरा से जुड़ल रहबाक चाही। आ अरिपन जखन बनाबी तो ओ एक उंगड़ी से नहीं, ओना तीन उंगड़ी से लोग बनबै छथिन, या तो दू अंगुरी जरूरी छै, दू अंगुरी से बनेबै तो दोहरी लाइन निकलतै। एक अंगुरी से अरिपन अशुद्ध कहल जाइ छै। अच्छा। ओ होइ छै अपना सब मिथिलांचल में परम्परा में छै जे जखन कि लोक देहावसान होइ छै तबू काल में अंत में लोग के अरिपन द्वादशा दिन अरिपन पड़ै छै, ओ अरिपन एकहारा पड़ै छै, बामा हाथ से एकटा गोल वृत्त बनै छै बिना सिंदूर के, आ अखरे पिठार के फुला के नहि पिठार के, अखरे पिठार के धो कऽ आ एकटा वृत्त बनै छै आ बिना सिंदूर के, तक पश्चात जहाँ के चुमाओन भेल, चुमाओन तखनो होइ छै, नीक बेजाय दुनू में देखल गेलै अपना सब मिथिलांचल में। हाँ विध छै तो ओकरा तुरते पीढ़ी से उल्टा कर नीक। अच्छा ओ एक अंगूर से, ओ एक अंगूर से ओहि में दो राग, सब शुभ काज में दो अंगूर, दो या तीन, उत्तम तीन छै। अच्छा। तीन लाइन के मतलब छै ओहि में जे अहाँ या तो त्रिदेव कहियौन, ब्रह्मा विष्णु महेश से कहि सकै छियन, तैं तीन लाइन हमरा सबके पढ़ाई भेल है अखन, हम सौराठ यूनिवर्सिटी में ओतऽ से डिग्री कोर्स कऽ रहल छी, तऽ हमरा सबके रानी मैम पढ़ेलखिन हैं, ओ कहलखिन तीन लाइन जे एकर छै से ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रतीक छै। हाँ प्रतीक छै, तैं तीन लाइन जरूरी छै, तीन लाइन नहि हुए तऽ कम से कम दू अंगूर से अरिपन पिठार में भिजा कऽ, आ पिठार के जे रहबाक चाही ओकर रहै छै घोरल से कनी गाढ़ रहबाक चाही, भिजबियो ओकरा अस्थिर से उठा कऽ जते अस्थिर से देबै ओते नीक अरिपन होयत। हाँ कनी मोट नहि रहतै तऽ पथर जेतै, हाँ हाँ पातर रहतै तऽ ओ पसरऽ लगतै अहाँके से होयत। सिंदूर लगबा के सेहो कला छै। हाँ, हमरा पुछबाक छलै कि बहुत गोटे जे अरिपन पारै छथिन तऽ ओहिमे जगह जगह बेसी का सिंदूर दऽ देली तऽ ओहिमे ओ नहि, नहि सिंदूर लगबाक एकटा ढंग छै, अहाँ अरिपन दियो सिंदूर के नजदीकी नहि, ओकरा दूर दूर पर दियो तऽ ओ देखे अहाँके से सुंदरता निखरै छै, आ लग जे कऽ देबै तो अरिपन के उजरा भाग छै ओकरा दाबि देतै आ ओ तखन विचित्र लागे लागत। ओकर जे मेन अरिपन में चौर के पिठार के से ई रंग हमसब बनेबै, अरिपन पिठार बनेलियै ओहि पर सिंदूर, तऽ ई चौर के पिठार के नारायण के प्रतीक मानल गेल हँ आ सिंदूर के लक्ष्मी के प्रतीक, तऽ लक्ष्मी नारायण के संजोग से अपन सबके ई अरिपन बनै छै मिथिलांचल में, हुनके प्रतीक, ई हमर प्रकृति के देन छी, चौर हमरा सबके वनस्पति प्रकृति मन खेत में उपजैया तो ई हमरा सबके प्रकृति के देन चौर भेल, ओकरा फुला कऽ एकदम वेरा लोग कहै छै प्राकृतिक रंग सँ प्राकृतिक चीज सँ, एतऽ तऽ मिथिलांचल में सब किछु के पूजा होइ छै, गाछ के पूजा, पानि के पूजा, साँप के पूजा, प्रकृति के पूजा, तऽ हमरा प्रकृति सब सब किछु भेटैया, ओहि सँ मिथिलांचल मिथिलांचल के महिला या एतुका कलाकार एहन कुशल छथिन, कोनो बाजार जाय के काज नहि, घरेलुए चीज के उपयोग जे हमरा भोजन लए छै या हमरा रहै लए छै या हमरा पहिरै लए छै ओहि चीज के मिला कऽ एकटा एतुका ई चित्रकला के निर्माण भेल। बिल्कुल, मतलब कुल मिलाकऽ भाई जी बात करी तऽ अगर हमर सबके जे मिथिला के संस्कृति छै ओकर जे अहाँ पालन करैत रही या ओहि कला के सीखैत रही तऽ अहाँ भूखे कहियो दुख के भोजन लए सोचा कहियो नहि, आब तो और जमाना भऽ गेलै है एहि चित्रकला के लऽ कऽ घर घर में रोजगार भऽ गेलै, घर बैसल महिला लोकनि पुरुष लोकनि सब से एहिसँ आमदनी कऽ रहल छथि, आ अपन जकरा लोक कहै छथिन प्रधानमंत्री नहि कहै छथिन जे आत्मनिर्भर, तऽ आत्मनिर्भर होइ लए एहिसँ कारगर उपाय नहि बुझाइए जे कम पूँजी में
कम पूंजी में आ कम मेहनत में, मेहनत सबटा में छै। हाँ, घर बैसल खैरौत में तो नहीं जाय पड़तै, घर में बैस के लिखिया कऽ लेबै, कागज पर लिखिए, कपड़ा पर लिखिए। हाँ, लेकिन सीखऽ में समय लगै छै, तन मैता से सीखियो। आ ई तो अपन माटि पानि के कला छै, ई तो हमर सबके पीढ़ी दर पीढ़ी अयलै है, बच्चा से सब देखैत आबै छथिन। लेकिन हर चीज समय मांगे छै, और कतेक लागै जे आइ काल्हि के जे पीढ़ी के बच्चा सब छथिन एहि कला के या अपन संस्कृति के कतेक अपना रहल छथिन या कतेक रुचि देखै में भेट रहल है। रुचि एहि मे तऽ हम जे कहब ने तऽ आइ काल्हि देखै छियै जे कम रुचि छै ने अपन संस्कृति के अपनाबै में, ओहिसँ बेसी त्यागै में लागल छथिन। हम तऽ कतौ कतौ जाइ छी देखै छियनि तऽ एकटा अरिपन पुरहर, हम तऽ कहब जे पातरि जे लोकक घरमे होइ छै तऽ नव नवतुरिया लोकनि जे छथिन, जे छथिन हुनका पुतौ होथिन या बेटी हेथिन, हुनका सबके कोनो मतलब, जँ ओहि घरमे बूढ़ छथिन एकटा अरिपन देथिन, नहि तऽ ओहो हुनका नहि अबै छनि। भऽ सकैए कोनो पड़ोसी कहथिन जे ये मैया पाते हेतै की हेतै बता दिअ, ब्यूटी पार्लर का सीखथिन, लेकिन ई सब पर ध्यान नहि दै छथिन। लेकिन हम एकटा अभियान चलेने छी जे हमरा सम्पर्कमे जे कोइ लखमे या आनो बच्चा सीखऽ अबैए ओकरा मिथिले पेंटिंग नहि सिखबै छियै, हम पाइ लै छियै, मुफ्तो सिखबै छियै। कोनो एहन बच्चा छै जे आर्थिक अभाव छै ओहि लए नहि कोनो, लेकिन ओकरा मिथिले पेंटिंग नहि सिखबै छियै, ओकरा हम गीतो गेनाइ सिखबै छियै, अरिपनो सिखबै छियै, ओकर पाइ नहि लै छियै, लेकिन जबरदस्ती ओकरा हम आवेश कऽ कऽ बुझा कऽ दुलार कऽ कऽ बौआ हमरा सङ्गे अहाँ ई गीत गाउ तऽ चलू, आइ हमरा सबके एकटा ऑर्डर छै, चलो गीत बड़ नीक लागत बिआहमे जाइ छै, तऽ ओहिसँ देखल प्रभावित भेलैए बच्चा सब सीखऽ चाहत। धीरे धीरे जाइत जाइत तऽ ओ छै जे संस्कृति सँ दूर भेल जाइ छलै चीज, तकरा धीरे धीरे अगर अहाँ बार बार लऽ जेबै कोनो बच्चा के अहाँ संग लऽ जा रहल छी, हुनका ओ चीज नीक लगतनि, ओ सीखल से सीखलखिन है। अच्छा, हाँ, लेकिन अहाँ जे कहलियै नवका पीढ़ी सब, ओ सब बड़ दूर भागे चाहैत रहै छथिन, चूंकि आधुनिक बहुत कोर्स एहन छै से करती, MBA करती, पढ़ती लिखती, इंजीनियर मने BTech MTech करती ई सब, लेकिन संस्कार जे छै अपन संस्कृति जे छै ओकरा तऽ एकदमे ओहि दिशा घुरि कऽ नहि ताकऽ चाहै छथिन। नीक, ठीक छै, हमरा लागैए MBA करू, MCA करू, हर कोर्स करू जे अहाँके लागैए जे अहाँके प्रोफेशन हेबाक चाही या करियर हेबाक चाही, बिल्कुल करू, लेकिन अपन कला और अपन जे संस्कृति छै तकरा पीछा छोड़ि कऽ नहि, अपन मातृभाषा, अपन कला, अपन संस्कृति एकरा संग लऽ कऽ चलबा मे जे खुशी छै और जे चीज निकलि कऽ आबै छै, हमरा नहि लागैत अछि कि एकरा पाछू छोड़ि कऽ आगू अहाँ जखन जेबै किछु साल बाद जरूर एहसास होइ छनि सबके जे हमर जे संस्कृति छलै ओ बड़ नीक छलै। कनि आब जखन हमरा लागैत अछि किछु ई लॉकडाउन के बाद सँ लोक के ई चीज के एहसास भेलै ने, जखन लोक ई सीखलखिन जे हम शहर में कतौ छी लेकिन घुरि कऽ हमरा गामे जेबाक अछि, तखन अपन संस्कृति, अपन कला, अपन सब चीज याद आबै छनि, तऽ किया नहि हमरा सब एकरा पकड़ि कऽ आगू बढ़ी, छोड़ि कऽ नहि। अहाँ सब जते सीखऽ चाहे लोग ओते कम हेतै, और हम आशा करै छी कि जिनका एहि सब मे इंटरेस्ट होइन और जिनका लागनि कि हमरा कला क्षेत्र में आगू बढ़बाक अछि, ओ भाई जी से संपर्क जरूर करी और सीखी जरूर। और जखन कहि रहल छथि जे हम अरिपन जबरदस्ती सिखाबै छी आजुक पीढ़ी के, तऽ हमरा लागैत अछि जे हिनका सब मे ओ चीज बाँचल छनि जे हमर संस्कृति आगू बढ़ैत रहे। तऽ अहाँ जे ई सब बनबा काल मे, अरिपन बनबा काल मे या पेंटिंग बनबा काल मे जे गीत गुनगुनाबै छियै, कनिक हम चाहब जे ओ गीतो सेहो कहियो, ताकि ओहो हमर सबके एकटा बड़का संस्कृति है जे हमसब चौला काल मे हमरा सब हर विध मे हमरा सब लग गीत बनल छै। हाँ, मिथिलांचल में तो छै जे भोरे सुति कऽ उठू तखन से लऽ कऽ सुतै काल तक, मने अपन जीवन जापन में, ई नहि जे बियाह हमरा अंगना में तैं गीत होइए, ओ ना, भोर में पराती होइ छै, भिनसर भेल तकर पूजा पाठ काल में अहाँ आरती गाउ, गीत गाउ, साँझ में अहाँके होय तऽ साँझक गीत गाउ, सुतै काल लोक बच्चा के लोरी सुनबै छै, ई प्रथा छै, पहिले नहि कोनो। ठीक छै, तऽ गीत अहाँके हम अखन तऽ कजरी जे समय अनुसार कजरी कहि सकै छी, बटगवनी मे जकरा हमसब अनै छियै अपन व्यवहारिक मे बटगवनी मे अनै छियै। चैत हे सखी फूलल बेली, ब्राह्मण लेल निज बास यो, तेजी मोहन गेला मधुपुर हमर कोन अपराध यो, तेजी मोहन गेला मधुपुर
हमारे कोन आप राधियो। तो हमरा सब एहने गुण वाला व्यक्तित्व सब संगे आगुओ बैसत रहब और मिथिला के जे संस्कृति जे कला छे तकरा लक अपने लोकन के सोझा आबत रहब। अगर चैनल के सब्सक्राइब नहीं केने छी त फेसबुक पर फॉलो कर लिया और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लिया ताकि जे कला संस्कृति छे हर गांव में जे जीव रहल है हमर के संस्कृति हमर के कला से लोग लॉक अपने लोकन के सोझा आबत रही और जे इनका सबसे व्यक्तित्व छ जे गुण सब भरल छ जिनका भगवती बस गुणेटा देने छथिन हम सब हुनका सबके लॉक अपने लोकन के सोझा आबत रही और अपने लोकन के अई कला और संस्कृति सब बेर बेर दर्शन करावत रही। टफन XT600 HCR TMT रीवा। पहले भी बोला था अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।